इन दोस्तों आशा करता हूँ हमारे प्यारे सभी देशवासी अच्छे होंगे। हमारा देश नहीं दोस्तों एक परिवार है, और इस दुख के अवसर पर जो आज आप सभी को पता ही चल गया होगा श्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में दोस्तों उन्होंने एक मिसाल पेश की। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहन जी का अपनी माता का अंतिम संस्कार कर अपने बेटे का धर्म पूरा किया, लेकिन दोस्तों इस दुख की घड़ी में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही तय समय पर पश्चिम बंगाल की वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों ये निष्ठा दिखाती है कि इस दुख की घड़ी में भी पीएम नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। इस दुख की घड़ी में दोस्तों देश और विदेश के लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। दोस्तों जैसे जैसे खबर मिल रही है दुनिया के सभी बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी जी को सांत्वना देने के लिए सबसे पहले भारत का पक्का मित्र परम मित्र इजराइल आके खड़ा हुआ। भारत में स्थित इजराइल के राजदूत ने अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पे देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन की निधन की खबर सुनके उन्हें काफी दुख हुआ। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति ओम। और दोस्तों अचानक शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक ट्वीट आया, और दोस्तों शहबाज शरीफ के इस ट्वीट को देख के भारत सहित पाकिस्तान सहित पूरी देश विदेश की जनता हैरान है। लिखते हैं कि माँ को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल महल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। साथ ही दोस्तों विश्व के अन्य बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेज रहे हैं।